हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मसल की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको बताने जा रहा हूं। यानी आज हम मसल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली जिस्म का कोई भी ऑर्गन है, कोई भी सिस्टम है, उसमें कुछ ना कुछ मसाइल तो सामने आते हैं। मसल के याद रखिएगा, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है वो रिलेट होते हैं। यानी या तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम होगा या रिलैक्स होने में प्रॉब्लम होगा। तो इस सूरत में जितने भी प्रॉब्लम सामने आएंगे उन सब को हम मसल प्रॉब्लम्स कहेंगे। अब मसल प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में सेकंड ईयर की गिवन है वो चार बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला है जनाब मसल क्रैम्प्स, यानी मसल का क्रैम्प हो जाना। सेकेंड है मसल फ्यूटिक, मसल फ्यूटिक का मतलब है मसल का थक जाना। टैटेनी जो होता है ये भी मसल्स का इनवॉलेंट्री तौर पर कंट्रैक्शन रिलैक्शन हो जाना, और इससे रिलेटेड एक और बीमारी है टैटनस। टैटेनी और टैटनस तकरीबन करीब करीब है, दोनों के अंदर ही मसल जो है वो इनवॉलेंट्री तौर पर फास्ट कंट्रैक्शन शुरू कर देते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले क्रैम्प से, व्हाट इज अ क्रैम्प? इट इज अ सडन इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन और स्पैज़म इन वन और मोर मसल्स। ये एक सडन, अचानक, पता ही नहीं हुआ, लिखते लिखते उंगली इधर ही अटक गई, क्रैम्प हो गया। ठीक है, हैंड का, इस पट्ठे का, किसी एक मसल का क्रैम्प हो गया, एक मसल का क्रैम्प हो गया या बहुत सारे मसल का जो क्रैम्प हो गया सडनली इनवॉलेंट्री तौर पर, तो इस कंडीशन को हम जो है वो मसल क्रैम्प्स कहते हैं और स्पैज़म भी इसे कहा जाता है। कहाँ होता है जी? दे मोस्टली अकर्स आफ्टर एक्सरसाइज। ये ज्यादातर कब होता है? एक्सरसाइज के फौरन बाद, एट नाइट, रात को आप सोए, सुबह उठे, पट्ठा अकड़ गया या टांग की कोई चीज साइड अकड़ गई। एंड लास्ट फॉर अ फ्यू सेकंड टू सेवरल मिनट्स। ये ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी देर के लिए पट्ठा अकड़ गया, ठीक है, क्रैम्प हो गया, फिर उसके बाद फ्यू सेकंड या मिनट के बाद वो खुद बहुत ठीक हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है जी? वजह देखते हैं। इट इज मोस्टली कॉज्ड बाय द माल फंक्शन ऑफ नर्व, नर्व की खराबी। उस इलाके में जो नर्व सप्लाई पहुंच रही थी वो प्रॉपर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ रिलैक्स नहीं हुआ ऐसी कंडीशन में। उसके अलावा ओवर यूजिंग ऑफ मसल्स फॉर लार्ज टाइम, फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा वक्त के लिए आपने मसल्स को जैसे लिखते रहे पता ही नहीं है, और एंड पर जब हाथ से कलम छोड़ा तो ज़रा हाथ सीधा ही नहीं हो रहा, क्रैम्प हो गया। इस तरह के ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो लॉन्ग टाइम किसी मसल्स को, एक ही मसल्स को बहुत ज्यादा यूज करने से होते हैं। डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी वजह इसकी है, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, क्योंकि पानी जो है वो मसल्स में लचक पैदा करता है, और जब पानी की कमी हो जाती है तो उससे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स इजीली नहीं हो पाते। लैक ऑफ मिनरल इन डाइट स्पेशली द डिप्लीशन इन द बॉडी, गजा में खास किस्म के निमकियात हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो वो भी जो है वो मसल क्रैम्प का बायस बनती है। इसके अलावा लैक और इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, डेफिनेटली गजा मिनरल्स ब्लड के जरिए मसल्स को पहुंचते हैं, अगर ब्लड सप्लाई रुक गई, मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो वो क्रैम्प हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर राइटिंग क्रैम्प, राइटर्स क्रैम्प इज ए फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ मसल्स क्रैम्प। मैंने आपको पहले बता दिया था कि राइटर्स जो मुख्तलिफ स्टोरियां लिखते हैं या ड्रामे लिखते हैं या किताबें लिखते हैं वो बैठे लिखते रहते हैं, एंड पर जैसे ही कलम छोड़ी तो पता चला कि हाथ यूं ही हो गया, क्रैम्प हो गया, वो सीधा नहीं हो रहा, इस तरह के क्रैम्प्स। और अमूमन रात को सोते वक्त ये जो पीछा पट्ठा है, ये पट्ठा अक्सर क्रैम्प हो जाता है बगैर किसी वजह के, ठीक है, और उसके पीछे ये सारी वजूहत होती हैं, या पानी की कमी होती है या मिनरल की कमी होती है, ठीक है, या आप उस साइड पर एक तरफ होकर सो गए, या राइटर्स का ये जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया, ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके अलावा है मसल फिटिक, फिटिक का मतलब होता है मसल का थक जाना। इट इज द कंडीशन ऑफ मसल इन विच इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन इज रिड्यूस्ड, वो कंडीशन है जिसमें मसल अब कॉन्ट्रेक्शन मैक्सिमम पैदा नहीं कर सकता, उसकी ये एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इवन दो द मसल स्टिल मे रिसीव द स्टिमुलस, अभी तक भी दिमाग से उसको स्टिमुलस मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन हिम्मत ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। आपने इस बाजू को 10,000 मरतबा ऊपर नीचे किया, या बेहतरीन एग्जाम्पल किया है कि हम जो कभी कभी जो है वो पुशअप लगाते हैं, पुशअप लगाते 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 एक टाइम आता है कि स्टिमुलेशन दिमाग से मिल रही होती है, हमने मुकाबला जीतना है, आपने पुशअप लगाना है, लेकिन मजीद पुशअप आपके मसल नहीं कर रहे होते, उसी कंडीशन को मसल फ्यूटिक कहा जाता है। इट इज ऑफन कास्ड बाय, वजह क्या है? नंबर वन, लैक ऑफ एटीपी। भाई
जब हम मसल्स को यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एटीपी यूज हो रहा होता है स्पीड के साथ, और वो खत्म होकर खर्च हो जाता है। जब खर्च हो जाता है तो एटीपी खत्म हो जाता है। जब एटीपी खत्म होता है तो तब दोबारा एटीपी बनने तक, दोबारा मसल को वो एनर्जी मिलने तक फिटिंग हो जाता है जी। क्योंकि क्रॉस ब्रिजेस जो हमने देखे थे कि मायोसिन और एक्टिन के बीच में जो क्रॉस ब्रिज बनते हैं, जो कि मसल के कंट्रेक्शन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनको जुड़ाने के लिए भी और हटाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। अब एटीपी नहीं है तो वो क्रॉस ब्रिज नहीं टूटते, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट रह जाते हैं या रिलैक्स रह जाते हैं, वो आगे काम नहीं करते। उसके बाद जनाब प्रोडक्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल, और जब मसल एनएरोबिकली जो है वो रिस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिकली काम करते हैं, तो उनमें एक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। और वो लैक्टिक एसिड जब मसल्स के सेलों के बीच में, फाइबर के बीच में स्टोर हो जाता है, तो फिर वो फाइबर्स को एक दूसरे के साथ ईजीली कंट्रैक्ट नहीं होने देता। उसके अलावा आयोनिक इनबैलेंस में भी आल्सो प्रोड्यूस मसल फिटिंग, कुछ आयंस मिनरल्स वगैरह ऐसे हैं जिनके इनबैलेंस से भी ये प्रोड्यूस होता है। कितनी ड्यूरेशन तक रहता है जी? इट्स ड्यूरेशन में भी फ्यू मिनट्स टू सेवरल आवर्स, चंद मिनटों से लेकर इवन सेकंडों से लेकर कई घंटे तक ये हो सकता है। मिनट्स टू सेवरल आवर्स डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप्स, किस किस्म का वो है। कुछ जो मसल फिटिंग है वो शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस हो जाता है, थोड़ा सा आपने जल्दी जल्दी काम किया और बस थक गया, और वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। ठीक है जी, वो जल्दी इतनी शॉर्टली वो रिकवर भी हो जाता है। लेकिन कुछ होता है जो स्लोली स्लोली आप लंबे अरसे के लिए, दो एक तो हजार दो हजार चार यानी 200-400 किलोमीटर की जो है 200 यानी 2-4-5 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, लंबे अरसे तक आप जब दौड़ते हैं तब भी एक मसल फिटिंग होता है। उसके बाद जब आप उसको रिकवरी करना चाहें तो वो रिकवरी भी फिर देर से होती है। ठीक है, तो जो स्लो डेवलपिंग मसल फिटिंग है वो देर से रिकवर होता है, और जो सडन मसल फिटिंग है वो फिर रिकवर भी जल्दी हो जाता है। अगला प्रॉब्लम है टेटेनी। इट इज अ कंडीशन व्हेन ओवर स्टिमुलेटेड नर्व कॉज इनवॉलंटरी मसल क्रैम्प एंड कंट्रेक्शन, मोस्ट ऑफन इन हैंड एंड फीट। यहां नर्व प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि टेटनी और टेटनस के बीच में फर्क यही है। एंड ओवर स्टिमुलेटेड नर्व, ओवर स्टिमुलेटेड का नर्व का मतलब हो गया स्टिमुलेशन नर्व को ज्यादा मिल गई है। जो नर्व उन मसल कंट्रेक्शन के लिए नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है, नर्व का वो आता है इंपल्स आती है तो तब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहां पर ये किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, ओवर स्टिमुलेटेड हो गई है। ओवर स्टिमुलेटेड की वजह से जब ये नर्व पे पहुंचती है तो एकदम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, और उससे इस कंडीशन को हम टेटेनी कहते हैं। बाद उकात ये लॉक, आपके जॉज लॉक हो जाते हैं इससे, ठीक है, खुलते ही नहीं है, क्योंकि ओवर स्टिमुलेटेड नर्व जो होती है उसने उसको जो है वो इनवॉलंटरी तौर पर क्रैम्प किया। अच्छा, ज्यादातर हेड में होती है, बट दीज स्पैज्म कैन एक्सटेंड टू ऑल बॉडी इवन टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट व्हिच कैन कॉज द ब्रीथिंग प्रॉब्लम। एक ये ज्यादातर हाथों में पांव में होती है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन कभी कभार ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाती है, लैरिंक्स में हो जाती है, फेरिंग्स में हो जाती है, और अगर इस सूरत में होगी तो आपको पता है कि ये चीज़ें जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं इसके मसल्स, तो ये आपकी सांस को बहाल करते हैं। अगर वो सांस के लिए इपिग्लॉटिस बंद ना हुआ, बाकी जो फेरिंग्स लैरिंग्स उन्होंने प्रॉपर काम ना किया, वॉइस बॉक्स काम नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और वो मौत का बायस बन जाएगी, इतनी खतरनाक है। सिम्टम की बात करते हैं ना, पहला तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ज्यादातर अगर ब्रीथिंग हो गया तो प्रॉब्लम वोमिटिंग, मैं देखिए अगर मसल उल्टे हो गए तो वोमिटिंग हो जाएगी। कन्वुलिशंस, झटके आना शुरू हो जाएंगे, आदमी को चक्कर आएंगे, झटके आएंगे, अजीब तरह से वो झटके मारेगा। सीजर भी झटकों को कहते हैं, ठीक है, कन्वुलिशंस जो है वो चक्कर आने को कहते हैं, आदमी को चक्कर से आते हैं, और सीजर्स पेश आते हैं यानी उसको झटके आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ गए, उस तरह का ये प्रॉब्लम है। काजेस को देखते हैं, इट इज यूजली काज बाय इनबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी के अंदर खासतौर पर इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कैल्शियम इनबैलेंस जो है, हाइपोकैल्शियमिया ऐसे हम कहते हैं, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उससे ये प्रॉब्लम काज हो जाता है। और इसके पीछे एक और भी चीज है, उसे कहते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म यानी पैराथायराइड की कमी। नॉर्मली जब पैराथायराइड की कमी हो जाती है तो ब्लड में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, और कैल्शियम एब्जॉर्ब ब्लड में नहीं होगा तो मसल तक नहीं पहुंचेगा और वो जो है टेटेनी का बायस बन जाएगा। याद रखिएगा कि ये ओवर स्टिमुलेटेड नर्व की वजह से होती है। ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसे अगर प्रॉपर मिकदार में कैल्शियम प्रोवाइड करें, कैल्शियम की मिकदार को प्रॉपरली प्रोवाइड किया जाए, तो इस प्रॉब्लम को अलॉन्ग विद विटामिन डी
विटामिन बी और कैल्शियम, विटामिन डी और कैल्शियम अगर दोनों प्रोवाइड किए जाए तो ये प्रॉब्लम किसी हद तक इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं जनाब, टेटनस। इट इज द इंफेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम विद डेडली बैक्टीरिया। याद रखिएगा इस बात को, बड़ा आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला ओवर स्टिमुलेटेड नर्व की वजह से होता है, लेकिन टेटनस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बड़ा डेडली बैक्टीरिया है, नर्वस सिस्टम के अंदर इंफेक्शन करता है, हमारे दिमाग का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें ये इंफेक्शन पैदा करता है, और उसके इंफेक्शन की वजह से डेफिनेटली ये ज्यादा खतरनाक है। कॉजेस की बात करें, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम ये है, मेन इसकी काज ये है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को कॉज करता है। दिस बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल, बैक्टीरिया के मतलब बताना चाह रहा हूँ, दिस बैक्टीरिया लिव इन द सॉल्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तकरीबन जमीन में ये पाया जाता है, और जमीन के अंदर ये 40 साल तक इनएक्टिव रह सकते हैं इसके स्पोर्स, लेकिन 40 साल के बाद भी अगर किसी बॉडी में दाखिल हो जाए तो वो फौरन इंटर होकर बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। कि दाखिल कैसे होते हैं, कोई भी आप रोड एक्सीडेंट में गिर गए, किसी आपको चोट लग गई, वॉन्ड के जरिए, इंजरी के जरिए ये फौरन जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये एक खास किस्म का जहर, पॉइजन रिलीज करते हैं, और उस पॉइजन का नाम है जनाब टेटिनोस्पाज्मन। उस टेटिनोस्पाज्मन जो है असल में वो क्या करता है कि मसल की तरफ नर्व की जो सप्लाई है उसे ब्लॉक कर देता है। कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से। खासतौर पर एक्शन कैसे करता है? दिस पॉइजन ब्लॉक द नर्व्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड कॉजिंग सीवर मसल्स स्पैज्म। इट कैन आल्सो बी, इट कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन टियर द मसल्स एंड इवन कॉज फ्रैक्चर। बहुत इतना जोर से बंदा खिंच रहा होता है, बैंड हो रहा होता है, ठीक है, नर्व की ये जो मसल तक वो इतना शदीद किस्म का स्पैज्म हो जाता है कि मसल फट सकते हैं, अंदर बोन टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, इतना शदीद ये होता है इसका दौरा, जो टेटनस का दौरा है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर रोड एक्सीडेंट में आप गिर गए हैं, कोई तो आपको बोन आ गया है, खराश आ गई है, तो फौरन टेटनस का इंजेक्शन लगवा दें, क्योंकि उससे जो है आप इस बीमारी के इफेक्ट से बच सकते हैं। आई होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा आज का लेक्चर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।